डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्लड बैंक टेस्ट लिस्ट, वो टेस्ट जो किए जाते हैं ब्लड बैंक में। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक ब्लड बैंक टेस्ट्स लिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड बैंक क्या है। ब्लड बैंक दरअसल में एक अलग सेंटर के तौर पर भी बनाया जाता है, और अगर पैथोलॉजी की लेबॉर्ट्री है तो उस पैथोलॉजी के लेबॉर्ट्री में ब्लड बैंक को एक अलग डिपार्टमेंट के तौर पर भी बनाया जाता है। इस ब्लड बैंक में लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, जो कहलाते हैं डोनर्स, वो खून का अतिया देते हैं, और वो खून का अतिया जो है तो वो ऐसे लोगों की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है जो कि ज़रूरतमंद होते हैं। तो एक बड़ी तादाद में इस खून को स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, और फिर जिन लोगों को ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है तो उन्हें ये ब्लड दिया जाता है। इस ब्लड में कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं वो भी किए जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए, ताकि जो खून है तो वो साफ़ खून मिले उन लोगों को, उन मरीज़ों को जिनको खून की ज़रूरत होती है। या इसके अलावा कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसके बाद मरीज़ों को खून की ज़रूरत होती है, तो भी ऐसे मरीज़ों को खून की जो ज़रूरत है वो इस ब्लड बैंक से पूरी की जाती है। अभी हम बात करते हैं टेस्ट लिस्ट पर जो कि ब्लड बैंक में टेस्ट किए जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पर टेस्ट है तो वो है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। एक को कहा जाता है डायरेक्ट ग्रुपिंग, या इसको फॉरवर्ड टाइपिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट ग्रुपिंग की जाती है और इसको कहा जाता है रिवर्स टाइपिंग। इसके अलावा क्रॉस मैचिंग का टेस्ट किया जाता है, कूम्स टेस्ट किया जाता है, और कूम्स टेस्ट में भी दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इस लिस्ट में RHD टाइट्रेशन जो है एंटीबॉडी की वो भी की जाती है, DU टेस्ट किया जाता है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग का टेस्ट किया जाता है, स्क्रीनिंग फॉर हीमोलाइसिस का टेस्ट किया जाता है, और ये खासकर उन लोगों में किया जाता है जिनका ब्लड ग्रुप O होता है। एंटीबॉडी एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस किया जाता है, इल्यूशन का प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा कोल्ड एग्लूटिनेंस के लिए भी टेस्ट किया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट किया जाता है जिसे CBC टेस्ट कहते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स हैं जिसे स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड कहा जाता है, और वो डोनर्स जो खून देते हैं तो उनके खून में कुछ टेस्ट हैं जो किए जाते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के लिए। तो उन टेस्ट में जो चीज़ें शामिल हैं, जो टेस्ट शामिल हैं वो हैं हेपेटाइटिस बी का टेस्ट, हेपेटाइटिस सी टेस्ट, HIV टेस्ट, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉफिक वायरसेस टेस्ट, सिफिलिस टेस्ट, चेगस डिजीज के लिए टेस्ट, वेस्ट नाइल वायरस के लिए टेस्ट, मलेरिया के लिए टेस्ट, और साइटोमिगेलो वायरस का टेस्ट। तो डियर व्यूवर्स, ये सारे टेस्ट होते हैं ब्लड बैंक में, और उम्मीद है आप लोगों को इन सारे टेस्ट के मुतालिक पता चल गया होगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।